इवन मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मी हम आपके साथ ही हैं, कुछ मुझे नेचर में कुछ चीज मतलब की मिलती वो भी कहते थे मम्मी आप क्या कचरा उठा रहे हो। ओके नहीं बेटा ये बहुत मेरे इसमें कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुनून होना चाहिए कुछ भी करने का क्रिएटिव, तो सामान तो घर में अपने आप अवेलेबल हो जाता है, बहुत कम लगता है लागत इसमें बहुत कम होती है, लेकिन बनता हमारा बहुत कुछ है। फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया, बच्चे भी मेरे लिए कहीं हिली एरिया पे जाते हैं, पड़ोस वाले भी जाते हैं मेरे मायके या ससुराल वाले सभी मेरे लिए ड्राई प्लांट्स लेके आते हैं। कुछ भी नहीं मैं फेंकती, कचरा वचरा कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, इवन करवा चौथ की वर्ष की मटकियाँ होती हैं, सभी को मैं यूज करती हूँ। नमस्कार, यूनिक फार्मिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंजू सिंह हाजिर हूँ आपके सामने। मेरे साथ आज हैं अतला बंसल जी, जो नेचर के लिए एक अलग तरीके से काम कर रही हैं, जिनकी क्रिएटिविटी आज उनको एक अलग मुकाम पर लेके गई है, क्योंकि वो घर की वेस्ट से वेस्ट चीजों को बेस्ट के रूप में बदल देती हैं, यूजलेस चीजों का इस तरीके से इस्तेमाल करती हैं कि लोग अचंभित हो जाते हैं। तो वो ये काम किस तरीके से कर रही हैं आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो आज हमारे साथ हैं अतला बंसल जी, जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने इस जर्नी को शुरू किया था, किस तरीके से वो वेस्ट चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार, मैं हूँ अचला बंसल। आज मैं शुरू से ही मुझे गार्डनिंग का शौक था, हम गांव में पले बड़े हैं, मेरे डैडी प्रिंसिपल थे, तो वहीं से मुझे अपनी गार्डनिंग का शौक हुआ। शुरुआत तो मैंने बोतलों से की, जो भी मुझे खाली बोतलें मिलती थी उसमें मैं वाटर प्लांट्स लगाती थी, फिर धीरे धीरे मेरे को कोई कहीं से भी कटिंग मिलती थी वो लगा के मैंने अपना गार्डनिंग का शौक, धीरे धीरे मैंने एक से मैंने हजारों प्लांटर तैयार कर दिए, और साथ साथ मैंने लोगों को भी इसके प्रति रुझान दिया। जब भी मैं कुछ कहीं जाती थी किसी को गिफ्ट करती थी तो प्लांट्स ही गिफ्ट करती थी। किस तरीके से आप अपनी पेंटिंग्स बनाती हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि आपको पत्तियां वेस्ट हो चुकी हैं उनको आप पेंटिंग में बदल देती हैं, तो वो किस तरीके से आप उनको यूज करती हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं गार्डनिंग करती थी, ठीक है, उसमें जो मुझे थिक पत्ती मिलती थी जो लगता था कि ये सॉलिड है, सॉलिड सीड है, तो मैं उसको प्रिजर्व करती थी, तो फिर मैं इसका ना कुछ तो बन सकता है, तो फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके पेंटिंग का रूप देना शुरू किया। जैसे एक बार मेरे को हमारे पड़ोस में मतलब की तोरी मिली मेरे को ना पाँव साफ करने के लिए, तो मैंने सोचा अरे मेरे को उसमें एक टेक्सचर दिखाई दिया, तो मैंने उसको बहुत सुंदर मूर्ति में ढाल दिया, पेंटिंग में ढाल दिया। ऐसी अपराजिता का चीज रोड साइड पे मैं जैसे नेचर में जाती हूँ तो मुझे गिरे हुए अपराजिता के पेड़ मिले मुझे, तो मैंने फिर उनको एक पेंटिंग का रूप दिया। ये देखिए जैसे अच्छा। ये अपराजिता का चीज है, बहुत सुंदर। हाँ, तो इसको मैंने किया पेंटिंग का रूप दिया, तो ये जड़ तना सब नेचुरल है, कलेक्ट करती हूँ जो हार्ड होता है उसको मैं पेंटिंग में लगाती हूँ। तो जिस तरीके से आप, क्योंकि इन ये बीज पेड़ों से गिर जाते थे, पड़े रहते थे, झाड़ू में इनको हटा दिया जाता था, लेकिन आप उनको बीनती थी, क्या लोग आपको टोकते थे कि आप ये क्या कर रही हैं? इवन मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मी हम आपके साथ ही हैं, कुछ मुझे नेचर में कुछ चीज मतलब की मिलती वो भी कहते थे मम्मी आप क्या कचरा उठा रहे हो। ओके नहीं बेटा ये बहुत मेरे इसमें कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है। फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया, बच्चे भी मेरे लिए कहीं हिली एरिया पे जाते हैं, पड़ोस वाले भी जाते हैं मेरे मायके या ससुराल वाले सभी मेरे लिए ड्राई प्लांट्स लेके आते हैं। तो क्या आप इन पेंटिंग्स को सेल भी करती हैं? हाँ जी। तो कितना किस तरीके से सेल करती हैं, कहाँ आप इन्हें एग्जीबिट करती हैं? एग्जीबिट मैं जगह जगह मैं लगाती रहती हूँ, जैसे मेट्रो सिटीज में इसकी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। हाँ जी, मेट्रो सिटी में काफ़ी अच्छे से जाती हैं। तो ये वेस्ट चीज़ों से बनी हुई पेंटिंग्स को आप कितने रुपये तक में बेच देती हैं, कितना तक? ये 2,500-3,000 तक हो जाता है। तो आप बच्चे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ जी, अब वो मेरे को खुद कहते मम्मा ये मुझे ड्राई प्लांट्स मिला है, ये मेरे लिए अब लाते हैं, बल्कि प्रिजर्व करके रखते हैं फिर उसके बाद लाके देते हैं। अच्छा, आप इन पेंटिंग्स के साथ में कुछ बोतल जो वेस्ट हो चुकी हैं उनका भी इस्तेमाल करती हैं, तो वो किस तरीके से करती हैं? कुछ भी नहीं मैं फेंकती, कचरा वचरा कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, इवन करवा चौथ की वर्ष की मटकियाँ होती हैं, सभी को मैं यूज करती हूँ। उसमें मैं प्लांट्स लगा के उनको गिफ्ट करके, अभी यहाँ पे भी किसान मेला में मेरे काफ़ी प्लांट्स गए हैं जो मैंने बॉटल्स में लगाए हैं, बहुत कम कॉस्ट रखी है मैंने उनकी, 40-50 रखी है, ताकि मतलब उनको भी लगे कि वेस्ट को यूज करना चाहिए, और उसमें मैंने लगा के प्लांट्स सेल किए हैं। ये सब वेस्ट बॉटल्स हैं, हम फेंक देते हैं, इनको हमने यूज किया, स्नेक प्लांट लगाया है। मैम, नारियल का आप किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं? बहुत लोग उसका जूस पीने के बाद में उसको फेंक देते हैं। हाँ, लेकिन आप उसका प्रयोग करती हैं? मैं उसको हैंगिंग प्लांट्स बनाती हूँ उनको। हाँ जी, उसमें स्पाइडर प्लांट जो भी जो हैंगिंग प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स वगैरह, वो लगाती हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो आप बच्चों को सिखाती भी हैं, कोई प्रशिक्षण भी देती हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं साइनावाल, ये HU के साइनावाल में भी क्लासेस देती रहती हूँ, सेंट्रल JL 2 में भी मैंने क्लासेस दी हैं कैदियों को।
मैम आपकी ही तरह अगर कोई और बनाना चाहता है तो उसको किस किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीजों को उसको लेके आने की जरूरत है, या सिर्फ जुनून एक ऐसी चीज है कि ठीक है वो उससे शुरू करे, या क्या चीजों को वो ध्यान रखे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुनून होना चाहिए कुछ भी करने का, करेगी तो सामान तो घर में अपने आप ही अवेलेबल हो जाता है, बहुत कम लगता है, लागत इसमें बहुत कम होती है, लेकिन बनता हमारा बहुत कुछ है। सिंपल एक आप वाटर इमर्शन पेंट खरीद सकते हैं, बस सिंपल उसी को हर चीज़ पे अप्लाई होता है, वो वाटरप्रूफ कलर, उसी से आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, इवन करवा चौथ की मटकी हो कुछ भी हो तो आप उससे करके अपने यूज कर सकते हैं। आप हमारे समाज के बच्चों को, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जिसकी वजह से वो इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, वेस्ट को यूज करें? हाँ जी, कुछ भी कचरा नहीं होता, कुछ भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए, भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, मिनिमम कचरा फैलाएं, मटकी जो भी है उसको रीयूज करें, इवन जो बॉटलें होती हैं करवा चौथ की मटकियाँ उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लग सकती हैं, जैसे ये देखिए हमने ये यहाँ पे भी लगा रखी हैं, इवन छोटी छोटी चीज़ में भी हमने देखो कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, हर चीज़ यूज होती है, कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए इसमें। सक्यूलेंट सक्यूलेंट लगाया है, ये साल डेढ़ साल तक सर्वाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो महिलाएं आपसे किस तरीके से संपर्क करती हैं आप? मैं प्रशिक्षण भी देती रहती हूँ अलग अलग जगह पर जाके। हाँ जी, सुभाष चंद्रा फाउंडेशन है उनकी तरफ से भी मैं जाती हूँ। तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास जो आप प्रदर्शनी में लगाई हुई हैं? ये जैसी बॉटल्स हैं, ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, इसको यूज करके मैंने इसके डेक्यूपेस किया हुआ है, ये एक प्रकार का चाइनीज आर्ट है, ये नैपकिन से तैयार होता है, नैपकिन का पीस होता है, उसे तीन प्रोसीजर से गुजरती है ये बॉटल, फिर हमारी रेडी होती है, वाटर प्रूफ होती है, सालों साल चलती है ये। ये कुछ भी वेस्ट कपड़ा होता है, मोटा जीन्स फट जाती है हमारी, कुछ भी होता है, सिंपल सीमेंट लेना होता है और वो जो कपड़ा वेस्ट होता है उसको किसी भी खाली बॉक्स के ऊपर उल्टा डाल के तो उसमें सीमेंट का घोल डाल के तो ये तैयार हो जाता है हमारा प्लांटर। ये जो कपास के साइड के होते हैं, कपास का जो होता है फूल होता है कपास लगने के बाद, उसके फाइव पेटल्स होते हैं, उसमें से एक एक को कलर करके, और ये भी एक सीड्स हैं ट्री के, ये काफ़ी मतलब की मात्रा में यहीं पर एक्चुओ में भी लगे हुए हैं, तो उसी को कलेक्ट करके मैंने ये बनाया है। ये लामसा क्ले वर्क है, एक पेपर मैशी कलर होता है, एक लामसा क्ले होता है, ये फेविकोल अरारोट से बनता है। हाँ, ये मतलब कि हैंगिंग वॉल हैंगिंग है गर्ल्स के रूम में अपने एक्सेसरीज टांगने के लिए, वॉशेबल होता है ये। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होते हैं जो कोक वगैरह की, सिंपल इमल्शन पेंट किया हुआ है इसके ऊपर, स्पंज की मदद से बहुत जल्दी जल्दी से दो मिनट में हो जाता है ये और सालों साल चलती है। और ये करवा चौथ की मटकियाँ जो वेस्ट हम पूजा करने के बाद फेंक देते हैं, जैसे किसी को भी मैंने प्लांट्स गिफ्ट करना होता है तो जैसे उनको शौक भी डालती हूँ जैसे पर्यावरण से जोड़ने के लिए, तो मैं इस टाइप से उनको ये गिफ्ट कर देती हूँ। अगर एक बार उनको प्लांट्स मिलते हैं तो उनका शौक धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अच्छा जी, तो कितना समय लग जाता है आपको इस तरीके की बोतल्स पर पेंटिंग करने में? हाँ, जैसे इसमें तीन प्रोसीजर से गुजरती है, पहले मतलब की वाटर करना इमर्शन पेंट करना होता है। ओके, उसके बाद फिर उसको सूखना देना होता है, दो दिन का प्रोसीजर है मैम। तो दोस्तों, हमारे साथ ही अतुला बंसल जी, जिनकी क्रिएटिविटी ने उन्हें हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध क्रिएटिव महिला बना दिया है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल कर, यूजलेस चीजों का इस्तेमाल कर बेहतरीन चीजें बना रही हैं। इन चीजों को बनाने के लिए एक जुनून की जरूरत होती है जो उनके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ है। महिलाओं ने उन्हें टोका, परिवार ने उनको टोका, लेकिन उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ाता चला गया। इसी तरीके से इसी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर आप भी बहुत सी यूजलेस चीजों को प्रयोग में ला सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए उन्हें वीडियो में नंबर भी दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकती हैं और चीजें भी पूछ सकती हैं।